वाहे गुरु। सतगुरां दी
साजी अते निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ आपा सरबत गुरु किया संगतां सतगुर साहिबान जी की अपार कृपा रहमत बख्शिश का सदका रात्रि के दीवाना दे विच अपने जीवन दिया अमोलक घड़िया सफल करन दे लई गाहे अवगाहे गुरु के हजूर पहुँच करके सतगुरु साहिबान जी की पावन गुरबाणी पावन पवित्र गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करन दे लई एकत्रित हो रहे हैं। अज का जो दीवान है इस दे अंदर आपा तीन शब्दों की विचार करन दा जतन करना है। वो तीन शब्द केड़े ने? एक है गुरबाणी, दूसरा है धर्म और तीसरी है बंदगी। ये तीन शब्दों के उपर अज आपां विचार करन दा जतन करना है। विचार की प्रारंभता तो पहला गुरु बख्शी गुरफतेह प्रवान करो जी, गज वज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया नूं तारदे होए श्री गुरु नानक देव महाराज जी जदों इस संसार के अंदर विचर रहे सन ते जिथे सतगुरु साहिबान जी संगतां नूं उपदेश करदे दूर दुराडे जा करके जेडे पापी मनुख सन सज्जन ठग वर्गे भूमिए चोर वर्गे कौडे राक्षस वर्गे आदिक जेडे भुले भटके हुए जीव सन राक्षस सन उन्हां दा उद्धार कीता। उत्थे ही दूर दुराडे तो जदों संगतां नूं पता लगदा कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी यात्रा तो बाद किसे एक पक्के टिकाने दे उपर विराजमान होए होए ने ते उदों संगतां सतगुरां दे पावन दर्शन दिदारे करन सतगुरां दे पास जाया करदियां सन। एक बार इदां ही होया कि संगतां जथे रूप दे विच इकट्ठे हो करके साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे दर्शन दिदारे करन जा रहियां सन ते दर्शन दिदारे करन समय पैदल यात्रा करदियां करदियां गुरु के गुरसिख गुरबाणी पढ़दियां होयां नाम जपदियां होयां पेंडा तय कर रहे सी। रस्ते दे विच उस जथे नूं उस उन्हां गुरसिखां नूं कुछ जिहड़े सिद्ध पुरश ओह मिले ते उन्हां ने संगत दे विच जिहड़े मुखी गुरसिख सन उन्हां दे सामने तीन सवाल रखे। एक सवाल यह कीता कि तुसीं कौन हो ते दूसरा सवाल कीता कि तुसी किधर जा रहे हो ते तीसरा सवाल यह कीता कि जदों तुहाडा रहबर तुहाडा गुरु इस संसार के उपर ना रहेगा उदों तुहाडी रखिया कौन करेगा। गुरसिखां ने जवाब दिता पहला सवाल सी कि तुसी कौन हो। गुरसिखां ने जवाब दिता कि असी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे सिख हाँ, असी उन्हां दी सिक्ख्या नू धारण करन वाले उन्हां दे बचना नू कमाउण दा जतन करन वाले
श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे सिख हाँ। दूसरा सवाल ये सी कि तुसी किधर जा रहे हो, ये यात्रा किधर जा रही है। ते गुरसिखा ने जवाब दिता कि असी श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे श्री करतारपुर साहिब विखे दर्शन दिदारे करन जा रहे हैं, उन्हां दी संगत करन, उपदेश ग्रहण करन, सेवा सिमरन दे विच जुड़न दे लई श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे पास जा रहे हैं संगत करन दे लई। तीसरा जिहड़ा उन्होंने सवाल किया सी कि जदों तुहाडे गुरु इस संसार दे उपर पंज भौतिक शरीर करके ना रहे उदों तुहानू सिखिया कौन देवेगा, तुहाडी रखिया कौन करेगा। गुरसिख यह सवाल सुन के बड़े हैरान होए कि इहदा की जवाब होवेगा। उत्थे उन्हां गुरसिखां नूं जवाब ना आया। उत्थों गुरसिख चल के पैंडा तय करके जदों श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे दरबार हजूर विखे पहुँचे ते जा करके नमस्कार कीती, प्रशादा पानी छकिया। उस तों बाद जदों बचन बिलास होए ते गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं जिहड़ी रस्ते दे विच वार्ता होई सी उह सतगुरां नूं गुरसिखां ने सुनाई ते आखिया सतगुरु जी सानू इदां सिद्ध पुरश मिले सी। उन्हां ने तीन सवाल कीते सन जिन्हां दे विचों दो दे जवाब असीं दे आए हां, पर तीसरे सवाल दा साडे कोल जवाब नहीं सी। ते वो तीसरा सवाल सतगुरां नूं सुनाया कि जदों इस संसार दे उपर आप जी प्रतख रूप दे अंदर पंज भौतिक शरीर दे विच ना रहोगे ते साडी रखिया कौन करेगा, सानू सिखिया कौन देवेगा। तां श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने आखिया कि जिहड़ी बाणी असीं कीर्तन रूप दे अंदर परमेश्वर वाहिगुरू जी की धुर दरगाह तो उत्पन्न होई पैदा होई जिहड़ी पावन बाणी है, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। वो जिहड़ी बाणी है जिथे असीं अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म दे विच उचार रहे हैं उत्थे नाल नाल उस बाणी नूं पोथियां रूप दे विच लिखवा भी रहे हैं। ये जिहड़ी पावन पवित्र गुरबाणी है तुहाडियां आउण वालियां पीढ़ियां दी रखिया करेगी। ये गुरबाणी तुहाडियां आउण वालियां संतानां दी रखिया करेगी ते उन्हां नूं सिखियावां दिया करेगी। सो पहली जिहड़ी विचार आपां गुरबाणी दे राहीं ये करनी है कि जे साडा इस संसार दे उपर कोई सच्चा सुच्चा आसरा है ते वह है गुरु की गुरबाणी। गुरबाणी तो छुट, गुरबाणी तो परे गुरसिख दा ना कदे आसरा होया ते ना ही कदे होना है। क्योंकि आपां देखो कि संसार दे विच आपां जिन्ने मर्जी अमीर बन जाइए, जिन्ने मर्जी काम धंधे करते रहिए, पर जदों भी कोई मुसीबत का समा आउंदा है आपां गुरु की शरण ही आने हैं। तो आपां ये जतन करना है जिवें गुरबाणी का पावन वाक है कि जदों मनुख नूं कोई दुख तकलीफ आउंदी है, दुख लागे राम पुकारा है, कि जदों दुख तकलीफ आउंदी है ते मनुख उदों वाहिगुरु नूं याद करन दे लई भजदा है। पर आपां गुरसिखां ने नाल ये जतन करना है कि भावें सुख होवे भावें दुखी होवे, आपां हर समय अपने समय दे विचों वाहिगुरु दी बंदगी दा जो समा है वो कढ़ना है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਵਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦੁਵੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਖਿਡੌਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲੀ ਹੋਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ, ਕਿ ਧਰਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਾਣਨੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ, ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੂਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਡੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਮ੍ਰਿਦ, ਸਤ, ਬਚਨ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਸੀਲ, ਸੌਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, 10 ਜਾਨ। ਇਹ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਖਿਮਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਹੇ ਅਵਗਾਹੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ,
ते बोली करके वाणी करके मन दे करके जिहड़ी हिंसा करनी है कि मन दे विच किसे दे प्रति बुरा सोचना ईरखा करनी द्वैष करनी ते शरीर करके ईरखा हुंदी है शरीर करके हिंसा हुंदी है किसे दा शरीर करके माड़ा करना ते बोली करके हिंसा हुंदी है किसे नू कौड़े माड़े जिहड़े बोल ने वह बोलने ते ये जिहड़ी तिन्ने प्रकार की जिहड़ी हिंसा है ये जीवन दे विच ना करनी ये धर्मी का दूसरा गुण है खिमा अहिंसा दया तीसरी जिहड़ी पौड़ी का डंडा है तीसरा जिहड़ा गुण है वो है दया करनी जीवां दे उपर जेड़े निताने निमाने ने उन्हां दी किसे ना किसे प्रकार करके सहायता करनी ये है दया धर्म का तीसरा गुण। भगत तुलसीदास जी ने भी जिवें बचन लिखे ने दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट मह प्राण के जेड़ा धर्म दा जेड़ा मुढ़ है वो दया है। जे साहिब श्री गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंज प्यारे साजे ते उन्हां दे विच भी पहले प्यारे प्यारे भाई दया सिंह जी हन उत्थों धर्म की शुरुआत हुंदी है खालसे पंथ की साजना हुंदी है ते पहला ही ये जनाया है कि अपना जिहड़ा जीवन है वो दया दे विच जिउणा है ये नहीं कि जदों साडा फौ पवे जदों साडा मौका लगे उदों गरीब मार कर देनी इसलिए ये तीसरा गुण है धर्मी का कि दयालता करनी खिमा अहिंसा दया मृद। चौथा जिहड़ा गुण है वो है मृद भाव मिठे ते प्यारे बचन बोलने प्यारे का मतलब ये भी नहीं है कि किसी का नुकसान कर देना भाव ऐसे बचन बोलने जिस दे नाल किसी दूसरे का मन ना दुखे। कई बार असी अपनी आकड़ दे विच हंकार दे विच साक संबंधियां दे विच विचरदियां होया नहीं क्योंकि एक गल नूं समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपां कई बार विचार की गहराई दे विच गया तो बिना आपां अर्थ भाव होर तरह समझ लैंदे हां। जिवें पहली पौड़ी जदों प्रारंभ हुंदी है जपजी साहिब दी उन्दे विच आपां बचन पढ़ते हाँ कि चुप्पै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार इत्थे आपां विचार करदिआं होइआं ये समझ लैंदे हाँ कि जिहड़ी जिहड़ा चुप करना है ये पखंडवाद है असल दे विच ये गल नहीं है। उत्थे जिहड़ी विरोधता है श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने वो चुप करन दी नहीं कीती उत्थे जिहड़ी खंडन जिहड़ा है वो चुप दे नाल होण वाले पखंड दा खंडन है क्योंकि तुसीं किसी भी धर्म का इतिहास किसी भी धर्म के ग्रंथ पढ़ के वेख लेना करो जिन्हें भी उन्हां दे समय दे अवतारी पुरश महापुरख गुरु पीर पैगंबर होए आ सारे दे सारे ही मोहन जरूर उन्हां ने धारण किया है। जे आपां बुद्ध की कथा पढ़ के वेखिए ते महात्मा बुद्ध जी भी ज्ञान होण तो बाद कई दिन चुप रहे ने जे आपां श्री गुरु नानक देव महाराज जी का जीवन पढ़ के वेखिए ते सानू इतिहास दे विच्चों पढ़न दे लई मिलदा है कि गुरु नानक साहिब महाराज जी कई कई दिन
घर दे विच चादर तान के पए रहिंदे सन। इसलिए चुप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्ना असी बोलते हाँ उन्ना ही साडा जिहड़ा मन है वह खिंडिया दे विच आउंदा है। बोलण दे नाल जिहड़ी साडे शरीर की बहुत ज़्यादा जिहड़ी शक्ति है वह अजाई ही व्यर्थ हो जाती है। सो इस लई क्योंकि जदों आपां बोलते हाँ तो उदों साडा दूसरे दे वल ध्यान हुंदा है, दूसरे नूं आपां कोई गल आखदे हाँ, तो जदों असी अपना जीवन वेखना है तो सानू चुप होना बोलना उन्ना है जिन्ना जरूरी है। थोड़ा खवना सावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए, जिन्नी लोड़ है उन्ना खाना, जिन्नी लोड़ है उन्ना बोलना, तो जिन्नी लोड़ है उन्ना सौना। थोड़ा बोलन गुरमत पाए, ये गुरमत की सिक्ख्या धारण करन दे ये तीन मुढ़ले निजम ने। हुण गुरसिखां दे विचों की होया है, असी बड़े अग्ञानता दे विच जीवन जिओ रहे हैं। आपां मता सोचिए कि असी पैसा कमा के जायदादां बना के बहुत अमीर हो गए हैं, असल विच असी बहुत पिछे जा चुके हैं। वह किवें, अपना जिहड़ा खाना दाना वह नहीं चंगा रहा। घरां दे विच देखो जिहड़े सिल्वर दे स्टील दे भांडे ने, यह निरी जहर है, क्योंकि जिहड़ा सिल्वर है ये अंग्रेजा ने उन्हां कैदियां दे लई बनाया सी जिन्हां नूं जेलां दे विच खत्म करना सी, ते आपां बड़े शौक दे नाल इन्हां नूं घरां दे विच रखदे हां। दास बेनती करे कि जिहड़े घरां दे विच हजे भी बजुर्ग मातावां जिउंदियां ने, उन्हां दियां बच्चियां उन्हां दियां नौहां अपनियां मातावां तों वह जिहड़े पुराने तौड़ियां दे विच मिट्टी दियां तौड़ियां दे विच बनाउण वालियां जिहड़ियां तौर तरीके ने वह सिख लैण, किवें काढ़नी जिहड़ी चाटी है उन्दे उस नूं रिड़कना है वह सिख लैण, नहीं तो असी बहुत अपना जीवन है उस नूं खुंझा देंगे। साडे जीवन दे अंदर ना चंगा खाना दाना रहा है, साडे बच्चे जिहड़े ने वह होर तरह के पदार्थ खा के बड़ा माण महसूस करते हैं, तो जिहड़ी धर्म की सिक्ख्या है वह तो साडे जीवन दे विचों कोहां दूर जा चुकी है। सो इस लई अपने जीवन दे विच आपां झात मारन दे लई सानू इकल्या होना सानू चुप होना बहुत जरूरी है। सो रहाओ विचार। चौथा जिहड़ा गुण है वह है दया धारण करनी, जिन्नी हो सके गरीबां दे उपर नितानियां दे उपर जिथे किते सहायता दी लोड़ है उन्हां दे उपर दयालता करनी, ये धर्मी दा चौथा गुण है। खिमा अहिंसा दया मृद, ते चौथा वाहिगुरू असल दे विच सीगा मिठा बोलना, तीसरा सीगा दयालता धारण करनी, ते चौथा जिहड़ा है वह है अपनी जिहड़ी बाणी है इस दे उपर असी अंकुश ला के रखना, इस नूं कंट्रोल दे विच रखना कि बचन वह बोलना जिहड़ा जरूरी होवे। ते सत बचन तप दान, पंजवां केड़ा गुण है कि सत बचन कि सच्चे बचन बोलने, गल वह करनी जिहड़ी वाजब होवे, गल वह करनी जिहड़ी ठीक होवे। एक विचार इतिहास दे विच ये भी आई है कि हर जगह सच बोलना भी ठीक नहीं हुंदा, किते ना किते झूठ बोलना भी ठीक हुंदा है।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਦਾਹਰਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਗਰ, ਗਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਆਦਿਕ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਖਬਰ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਧਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ। ਛੇਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਤਪ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ ਨੱਪ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉੱਠੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ 12 ਵਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਪ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
एक भाषा ही ऐसी चीज़ है जिहड़ी सब की सांझी हुंदी है। सो इस लई खिमा अहिंसा दया मृद सत वचन तप, छेवां जिहड़ा गुण है वह है तप करना। कि साडा जीवन दे अंदर जे असीं धर्मी बनना चाहुंदे आ ते असीं तपस्या जरूर करिए जिन्ना हो सके, क्योंकि ये शरीर एक ऐसी चीज़ है जिन्हों आपां जिवें दा बनावांगे ये उदां ही बन जांदा है। जे इस नूं असीं सवेरे 9-10 बजे उठण दी आदत पा लईए ते ये 10 बजे दी बजाए 11 बजे उठेगा। जे इस नूं आपां आदत पा लईए कि सवेरे 3-4 बजे उठना है तो ये उदां दा इस दा जिहड़ा सिस्टम है वह बन जाता है। सो इसलिए ये छेवां गुण धर्मी का होना बहुत जरूरी है कि जीवन के अंदर तपश करनी, तपस्या करनी। तो सतवां गुण है दान, कि जिन्ना हो सके अपने जीवन के अंदर जिवें गुरु की गुरमर्यादा है गुरसिखां दे लई कि अपनी कमाई दे विचों दसवां हिस्सा धर्म दे कारजां दे विच लेखे लाउणा। भाव जे असीं 100 रुपया कमा रहे हाँ तो 100 दे विचों 10 रुपए जिहड़े धर्म दे लेखे लाउणे। अज असीं सारे ही मनां दे विच विचार के वेखिए कि किन्ने कु ऐसे गुरसिख ने जिहड़े दसवंध कढ़दे आ। इह है इक दसवंध पैसे दा। दूसरा असीं अपने समय का भी जिहड़ा दसवंध है वह कढ़ना है। जिवें दिन ते रात दे 24 घंटे हुंदे आ ते तकरीबन 2.5 घंटे इस दा दसवंध बनता है। ये असीं 2.5 घंटे गुरु के लेखे लाने आ। वैसे तो असीं अपना जीवन ही गुरु के लेखे लाना है पर उस दी शुरुआत होनी है 2.5 घंटियां तो दसवंध दे करके। इसलिए अपने जीवन दे अंदर जिहड़ा दान करना ये धर्मी मनुख दा सतवां गुण है। ते दान दी बाबत सानू समझ लेना बहुत जरूरी है। पावन गुरबाणी दे अंदर आपां बचन पढ़दे हाँ कि अकली पढ़ के बुझी है अकली पाई है मान। इसे पावन शब्द दे अंदर बचन आउंदे ने कि अकली कीचै दान, कि जिहड़ा दान है वह भी असी अकल दे नाल करना है। भाव सूझ बूझ दे नाल करना है। वह किवें कि कोई भी जिहड़ा दान है वह जिन्ना गुप्त रहेगा उन्ना ही वह फायदा दिंदा है। नहीं तो आम हुण पंजाबियां दी की आदत है गुरसिखां दी की आदत है कि तुसी जिन्ने भी अस्थान घूम के वेख लवो वह चाहे दमदमा साहिब की धरती दे उपर होण जाके वेखो उत्थे पक्के तौर ते पत्थरां दे उपर नाम लिखे हुए आ कि केड़े मनुख ने किन्ने पैसे दिते सी। आपां सोच के वेखो कि गुरु नूं दे की सकते हैं, अपनी औकात की है कि आपां गुरु नूं दान दे दईए। हुण जे कोई मनुख गुरद्वारा साहिब एक पक्खा भी चढ़ावे ते उस पक्खे दे फरां दे उपर सारे परिवार दा खानदान दा नाम लिखवा लैंदा, इस दा मतलब यह होया कि असीं गुरु नूं वी दान देण जोगे हो गए हाँ। आपां ते लैणा ही गुरु दे कोलों आ। दद्दा दाता एक है सब को देवनहार, देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार। वो वाहिगुरू दा तां खजाना ही ऐसा है। साढ़े खजानियां दा की पता कदों मुक जाना है। इसलिए शुक्र करिया करिए कि वाहिगुरू ने सानू दान देण वाले बनाया है, सानू मंगते नहीं बनाया। पर गुरु दे लई आपां मंगते ही बन के रहना है। जिन्ना हो सके
शुकराना ये करना है कि वाहिगुरु तेरा ये शुकराना है कि तेरे दिते दे विचों मैं अगे देन जोगा हुआ वा। सो धर्मी मनुख का जिहड़ा सतवां गुण है वह है दान करना। खिमा अहिंसा दया मृद सत बचन तप दान सील सौच तृष्णा बिना। अठवां जिहड़ा गुण है वह है सील कि नरम सुभा रखना, क्योंकि जिहड़ा एक गर्म दिमाग है, क्रोध है, गुस्सा है, ये साड़ी जिहड़ी एनर्जी है, साड़ी जिहड़ी शरीर की शक्ति है, इस दा बहुत नाश करता है। ये उवें ही है कि जिवें एक भांडे नूं ठंडा करन दे लई पानी गर्म हो जांदा है, उसे प्रकार जदों असीं गुस्सा करदे हां, क्रोध करदे हां, ते उस दे विच साडे शरीर की जिहड़ी शक्ति है उही अजाई जांदी है। सो इसलिए धर्मी मनुख का जिहड़ा अठवां गुण है वह है नरम सुभा, ते उस तो अगे है सोच पवित्रता रखनी। ये पवित्रता दो तरह की होंदी है, एक बाहरी तौर पर एक अंतरीव तौर पर। बाहरी तौर पर कि आप अपने कपड़े जिहड़े ने यह साफ सुथरे धोते हुए पाने, अपने शरीर की जिहड़ी गंदगी है, इत्थे जे सीधे रूप दे विच बचन करने होण, ते अज दे समें दे अंदर गुरसिखां दे विचों जिहड़ी साफ सफाई रखण दी ये रहो रीत है, ये भी बड़ी दूर जा रही है। कि असीं सवेरे जदों मैदान जाने तां उस वेले जदों असीं हाथ धोने आ, एक वारी हाथ धो के ते कम सार दिंदे आ, अपने हत्थां नूं चंगी तरह साफ करना, साफ सुथरे कपड़े पाने, ये भी धर्मी मनुख का एक गुण है। साफ सुथरे तो भाव की है, गुरु साहबाना ने साडे पहरावे दे उपर, साडे खाण पान दे उपर बहुत ज़्यादा जोर दिता है। सानू कल्ला ओ नहीं कि जंगलां नू तुर जावो ते सारा कुछ छड के कपड़े पाउणे, परिवार नू पालना, सारा कुछ छड के जंगलां नू तुरन दी सिक्ख्या नहीं दित्ती। सानू सिक्ख्या की दित्ती है, बन से सदन सभै कर समझो, मन ही माहि सन्यासा, कि मन दे अंदर जिहड़ा सन्यास है, ते ए जिहड़ा घर है असीं इस नूं ही जंगल समझना है। ते जिवें जंगल दे विच इक ना इक दिन विछड़ना हुंदा है, उही मन दे विच धारण करके रखनी वो विचार। सो इसलिए बाहरी तौर ते ऐसे कपड़े पाउणे कि जिस दे नाल साडा जिहड़ा शरीर है ये पूरी तरह ढकिया होवे, अपना जिहड़ा सिर है वो घरे भी ते बाहर भी कज के रखना, चुन्नी वो लैनी जिहड़ी सिर ते टेक सके। जे चुन्नी नहीं सिर ते टेकदी ते जिहड़ी केस की है वह बन्नी जावे, क्योंकि पावन गुरबाणी दे अंदर सानू बचन पढ़न सुनन दे लई मिलदे ने कि जिहड़ा पहरावा है ये असीं गुरु दे अनुसारी हो करके अपने जीवन दे विच धारण करना है। सो ये धर्मी मनुख दा सील सोच ये नौवां गुण है कि अपने जीवन दे अंदर जिहड़ी बाहरी तौर ते पवित्रता रखनी, ते दूसरी जिहड़ी अंतरीव पवित्रता है मन दी, जिहड़ी कि मन दे अंदर जिहड़े आउण वाले माड़े ख्याल ने, किसी दे प्रति माड़ा सोचना, माड़ा विचारना, क्योंकि जदों भी कोई असी माड़ा कर्म करते हैं वो साढ़े मन तो शुरू हुंदा है,
पहला मन फुरना बनाउंदा है, सोचता है, फिर उसनू आपां अमली रूप दिंदे आ। इसलिए भाई डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने एक बड़े प्यारे बचन लिखे आ, कहिंदे कि जदों कोई चंगा काम करन दे लई तुहाडा मन करे उदों एक पल भी ना लावो उहनू शुरू करन दे विच। जे एक पल का भी समा विच पै गया तो इस मन ने अपना मन बदल लेना है। तो दूसरे बन्ने जे तुहाडा मन कोई माड़ी विचार सोच रहा है, माड़ा फुरना कर रहा है, उदों जरूर विचार करो, हो सकता है कि तुहाडा मन तब्दील हो जावे, बदल जावे। सो इस लई ये नौवा गुण है एक धर्मी दे लई कि जिहड़ी बाहरी तौर ते और अंतरीव तौर ते पवित्रता रखनी। ते अखीरी गुण है तृष्णा बिना। दसवां जिहड़ा गुण है वह है तृष्णा तो बिना अपना जीवन जिउणा। तृष्णा आपां जाणदे हां कि एक वस्तु प्राप्त हो गई फिर दूसरी वस्तु प्राप्त करन दे लई दौड़ना भज्जना, भाव किते भी संतोख आना ही ना। जिवें आपां संतोख दे अर्थ सारे जाणदे हां कि जथा लाभ तथा संतुष्टा, जिवें दा साडे कोल अन्न धन है उस नूं खा के, जिवें दा कोई कपड़ा है उस नूं पा के अपने जीवन नूं सफल करना, गुरु के लेखे लाउणा। सो इस लई अपना जिहड़ा जीवन है ये तृष्णा तो बिना जिउणा है। ते जदों भी साडे मन दे विच ख्याल आवे कि साडे कोल कुछ भी नहीं है उदों अपने तो उपर वल नहीं वेखना कि उन्हां दे कोल की है, अपने तो नीवियां दे वल वेखना है कि जिन्ना वाहिगुरु ने सानू दे दिता है उन्हां किन्नियां को कोल है। साडे कोल खाण दे लई वधिया रोटी पाणी आ, रहण दे लई मकान ने, पहनण दे लई कपड़े ने। आपां सोच के वेखिए कि इस संसार दे अंदर किन्ने ही ऐसे मनुख ने जिन्हां नूं दो वक्त दी रोटी नहीं नसीब हुंदी, किन्ने ही ऐसे मनुख ने जिन्हां नूं पाउण दे लई कपड़े नहीं मिलदे, जिन्हां ने धर्म ते की कमाउणा जिहड़े एक मनुखां दे वांग जीवन भी नहीं जिउ सकदे। क्योंकि जिंदे कोल सवेरे खाण दे लई रोटी नहीं उह कित्थे धर्म दी गल कर लवेगा। जिन्हों चिंता ही बनी है कि सवेर हुंदिया मैं रोटी पानी लियानी है, दाल फुलका कमा के अपने परिवार को पालना है, वो बंदा धर्म नहीं कमा सकता। दार्शनिक एक गल लिखते हैं कि जे तुसी धर्म को कमाना है संसारी लोड़ां तुहाडियां पहला पूरियां होनिया चाहीदियां ने। गुरबाणी का वाक है भूखे भगत ना कीजै, भुखियां तां जिहड़ी भगती है वह भी नहीं हुंदी। ते सारा कुछ हुंदिया सुंदिया असीं वाहिगुरु नूं उलांभे नहीं दिंदे फिरना। अपना जिहड़ा जीवन है ये तृष्णा तो बिना जिउणा, ये धर्मी का दसवां गुण है। जिवें साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने श्री सर्वलोह ग्रंथ के अंदर पावन बचन लिखे ने कि तृष्णा सो अगात ना काहू की सुनी है। कहिंदे कि इस संसार के अंदर असी नहीं सुनिया कि किसी की तृष्णा जिहड़ी है ये बुझ गई होवे। गुरबाणी ये मोहर लाउंदी है कि तृष्णा बिरले ही की बुझी है, टावे टावे मनुखां दी जेडे गुरु की गुरबाणी दे अनुसार अपना जीवन जिउणा शुरू करदे आ उन्हां दी तृष्णा जेडी है वह मरदी है। तृष्णा कल्ली पैसे दी नहीं हुंदी, तृष्णा हुंदी है पाप कर्म कमाउण दी भी, तृष्णा हुंदी है विषय विकारां नूं भोगण दी भी।
सब प्रकार दिया तृष्णा तो बिना होना ये धर्मी मनुख का दसवां गुण है। ये धर्मी मनुख के दस चिन्ह ने, दस निशानियां ने। सो जे असी अपने आप नू गुरु के सिख सिख धर्म के एक हिस्सेदार अखवाने आ, ते असी इन्हां गुणां नू अपने जीवन दे विच धारण करन दा जरूर जतन करना है। ये दूसरी विचार इत्थे समाप्त हुंदी है। तीसरी है बंदगी। एक बार भाई नंद लाल साहिब जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू सवाल किया, ये जेड़े भाई नंद लाल साहिब जी हन इन्हां ने तकरीबन सत ग्रंथ अरबी फारसी भाषा दे विच लिख करके खालसे पंथ की झोली पाए आ। उन्हां दे विचों एक ग्रंथ का नाम है जिंदगी नामा। इस दे अंदर ही ये बचन लिखे ने जिन्हां तो आपां समझना है। भाई नंद लाल साहिब ने पुछया कि सतगुरु जीओ कोई ऐसी दौलत ऐसा धन दसो जिहड़ी हमेशा रहण वाली होवे। बचन लिखे ने कि दौलते जा वेद बाशद बंदगी। दौलत का अर्थ आपां जाणदे आं सारे कि पैसा हुंदा है, ते जा वेद का अर्थ है हमेशा। हमेशा रहण वाली केड़ी दौलत है जिहड़ी हमेशा रवे। ते अगे बचन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे उचारण किते हुए भाई नंद लाल साहिब जी लिखते ने कि बाशद बंदगी। बाशद का अर्थ फारसी दे विच हुंदा है करनी, कि जिहड़ी बंदगी करनी, नाम जपना, सिमरन करना, ये हमेशा रहण वाला धन है। दूसरी पंक्ति दे अंदर भाई नंद लाल जी समझाउंदे ने कि बंदगी कौन बंदगी कौन बंदगी। इको शब्द नू तीन बार लिखिया है, ते विद्वानां दा ये ख्याल है कि जिहड़ी गल तीन बार आखी जावे उस नू मनना बहुत जरूरी हुंदा है। ते भाई नंद लाल साहिब जी आखदे ने कि बंदगी कौन बंदगी। कौन दा अर्थ हुंदा है कर, कि ऐ भाई गुरमुखा ऐ मनुख तू बंदगी कर, ऐ जीव तू सिमरन कर, तू नाम जप। यही एक धन है, यही एक दौलत है जिहड़ी साडे नाल हमेशा रहिंदी है। क्योंकि रजनीश ओशो एक गल लिखता है, कहिंदे कि सच्चा धन ओही है जिहड़ा तुहाडी मौत तो बाद भी तुहाडे नाल होवे। ते मौत तो बाद वेखो जो तन उपजो संग ही सो भी संग ना होया। जेड़ा ये शरीर साडे नाल पैदा होया इसने भी देखो साडे नाल नाल नहीं जाना, होर ते जाना ही किसने है। ये सब कुछ परिवार पुत्र तियां माता पिता साक संबंधी कोल खड़े दे खड़े रह जाते हैं। कई बार आपां सोचते हैं कि ये ऐवें गल्लां लिखियां होईयां ने, बस इंदे विच लुको एक यही है कि जेड़ा चढ़ाई कीता मनुख है वह परत के दस नहीं सकता, नहीं तो अपना आपां बिना देरी तो सब कुछ छड़ा के नाम जपना शुरू कर देंगे। सो सियाणा मनुख उही है जेड़ा समय तो पहला तैयारी करे। कदे भी उस नूं सियाणा नहीं आखिया जाता कि उधर अग लगी होवे ते उधर खूह पटना शुरू कर दे कि हुण मैं खूह पट के पानी कढ के ये अग बुझावांगा। सियाणा मनुख उही है, जिवें हुण आ फसलां आपां वढणियां ने, अगे चल के झोना लाउणा है, ते ये नहीं कि जिद्दन झोना लाउणा होवे उद्दन ही जमीन तैयार करनी है।
जमीन की तैयारी आप हफ्ता 10 दिन पहला तैयार करते हैं, उसनू वाहने वार वार, उसनू पानी लाने हैं। उस क्योंकि जिहड़ा अखीरी समा है उदों साडा अपना आप नहीं सांभिया जांदा, असी मन की नाम की कित्थों संभाल कर लवांगे। सो इस लई समा रहिंदिया होया अपने जीवन नू जानदिया होया एक विचार आपां करके समाप्ति करनी है कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी नू एक वार सवाल किया सिद्धा ने कि तुसी कौन हो, ते जिवें आपां जवाब दिंदे आ अपनी मत दे अनुसार, कोई अपनी जाति दा नाम दसदा, कोई अपने धर्म दा नाम दसदा, कोई अपने पेशे दा नाम दसदा, कोई अपने इलाके दा नाम, कोई देश दा नाम दसदा। पर जदों सतगुरां नूं इह सवाल कीता कि तुसी कौन हो, ते सतगुरां ने इक्को जवाब दिता सी, उत्थे इह नहीं आख्या कि मैं पटवारी दा लड़का हाँ। उत्थे की जवाब दिता जो गुरबाणी दे विच लिखिया है कि हम आदमी हाँ एक दमी, असी साड़ी कोई बहुती लंबी उम्र नहीं है, असी सिर्फ एक दम दे एक साह दे बंदे हाँ, एक साह दे आदमी हाँ, क्योंकि साढ़े देखद्या देखद्या साढ़े वड्डे बजुर्ग इस संसार तो चले गए, बहुतिया ने तो मौत हुंदी भी वेखी होनी है कि जे अंदर साह गया है तो वह बाहर नहीं आता, जे बाहर आया तो अंदर नहीं जाता, इसलिए एक दम दे आदमी हाँ। जेड़ा साढ़े साह चल रहा है बस उसका ही सानू भरोसा है, अगले साह का सानू भरोसा नहीं है। अज तो असी सोशल मीडिया के उपर कई तरह वीडियो भी देख सकते हैं। सो इसलिए सियाणप यही है कि समा रहिंदिया होया सोझी प्राप्त करके गुरु की गुरबाणी दे नाल जुड़ करके अपना जीवन सफला करिए। ये तीन शब्द जिहड़े आपां अज विचारे ने, एक गुरबाणी, एक धर्म, ते एक बंदगी, असल विच तीनों ये इक्को शब्द ने, बस इन्हां नूं कहण दे ढंग वखरो वखरे ने। इन्हां दी जिहड़ी सिक्ख्या है वह इक्को ही है, गुरबाणी भी उही गल आखदी है, तो धर्म की सिक्ख्या भी उही गल आखदी है, तो बंदगी की सिक्ख्या भी उही गल आखदी है। तो आपां किसे शब्द नूं अपने जीवन दे विच धारण करके समझ करके अपना लोक सुखिया ते परलोक सुहेला करिए, जिस दे नाल साडा इस संसार दे विच आया होया, आया ता का सफल है पर उपकारी होए, साडा जीवन सफला हो सके। विचारां करदियां तो होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा आप संगत सतगुर साहिबान जी बख्शन योग हन बख्श लैणा जी। सो इत्थे ही अज दी जो कथा दी समाप्ति है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।